नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई टेररिज्म की दास्तां गढ़ने में पड़ोसी मुल्क का कोई सानी नहीं, बस जब मौका मिले तभी अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन फिर हिंदुस्तान के हाथों से मुंह की खाता है और अब इसने रास्ता अख्तियार किया है नार्को टेररिज्म का। हालांकि छुटपुट घटनाएं तो पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार तो इसकी नापाक हरकत से जिस तरह पर्दा उठा है उसके बाद इसके मंसूबे भी साफ हो गए हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं BSF की एक उस कार्रवाई की जिसने सभी को चौंकाया है, यानी पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़। बरामद हेरोइन का वजन करीब 56 किलो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 300 करोड़। और पूरे मामले में अहम ये कि पड़ोसी देश की इस घिनौनी हरकत में अब पाकिस्तानी रेंजर्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। चलिए अब आपको बॉर्डर पर हुए इस गुनाह की पूरी कहानी को तफसील से बताते हैं। दरअसल इस गुनाह का खुलासा हाल ही में हुआ है और ये तस्वीरें हैं कि जिस हीरोइन को हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचाया गया उसका तरीका भी हैरान करने वाला है। दरअसल ये हीरोइन PVC पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से हिंदुस्तानी सीमा में डाली गई थी। जिस वक्त BSF के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया उस देर रात आंधी और तूफान का दौर था। जाहिर है मुश्किल खड़ी थी, लेकिन हमारे जवानों को कार्रवाई को अंजाम दे ही डाला। जवान किसी भी तरीके से पीछे नहीं थे और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दे डाला। हालांकि PVC पाइप को यहां तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी तस्कर बाद में भागने में कामयाब हो गए। कहा जा रहा है कि राजस्थान फ्रंटियर की यह अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। दरअसल गश्त कर रहे जवानों को इसका आभास हो चुका था कि सीमा पर कुछ हरकत हो रही है। आंधी और तूफान के बीच भी सीमा पर होने वाली हरकत को देखने वाले उपकरणों की मदद से पाकिस्तानी तस्करों को तलाशा गया, लेकिन तब तक वो निकल चुके थे। अब इस नापाक वारदात को समझिए कि पाकिस्तान से हीरोइन भारतीय सीमा में पहुंचाने के लिए एक लंबे PVC पाइप को काटा गया। हर पाइप में करीब 1-1 किलो हीरोइन डाली गई। इस तरह 54 पाइप के टुकड़ों में लगभग 56 किलो हीरोइन डालकर सभी टुकड़ों को एक लंबे मजबूत कपड़े से बांध दिया गया। हर पाइप के टुकड़े के दोनों ओर उस कपड़े को भी बांध दिया गया ताकि एक से दूसरा पाइप टकरा नहीं सके। संभावना जताई गई है कि तारबंदी के नीचे से इसे भारतीय सीमा की ओर धकेल दिया गया। अब पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय तस्करों को भी इस जगह की निशानदेही दी होगी, तभी वो वहां पहुंचे ताकि वहां से हेरोइन को निकाला जा सके। लेकिन भारतीय तस्कर वहां पहुंचता उससे पहले BSF के जवानों को इसका अंदेशा हो गया। BSF के IG पंकज कुमार को इसकी खबर दी गई। बीकानेर से DIG पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम खाजूवाला से मौके पर पहुंची। बस फिर क्या था, BSF के जवान किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे और कामयाबी हासिल भी हुई। आपको बता दें कि हीरोइन की तस्करी हमेशा पाकिस्तान से भारत की ओर होती है, वहीं पर इसका उत्पादन अवैध तरीके से किया जाता है। अब तक छोटी मोटी तस्करी होती रही है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी तादाद में यह नशा भारत में भेजने की कोशिश की गई। खबरें हैं कि बीकानेर के अलावा जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते भी पाकिस्तान यह नशीली सामग्रियां भारत को भेजता रहा है। आपको बता दें कि तस्करों ने पंजाब बॉर्डर पर सख्ती होने के बाद राजस्थानी सीमा को अपना टारगेट बनाना शुरू किया है। रेगिस्तानी बॉर्डर पर धूल भरी आंधियां तस्करों के लिए मददगार बन जाती है, तो सर्दी में कोहरा तस्करी आसान कर देता है। हालांकि BSF के जवानों ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाकर अब तस्करों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और यह कार्रवाई भी उसी का नतीजा है। अब हमारी फोर्स को शक कैसे हुआ कि यहां ऐसा नापाक खेल हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल करीब 6-7 महीने पहले BSF को बीकानेर से सटी सीमा पर एक पाइप मिला था। यह पाइप इतना लंबा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जीरो बाउंड्री को आसानी से क्रॉस किया जा सकता था। BSF ने इस पाइप को बरामद करने के बाद छानबीन शुरू की और BSF की गुप्तचर शाखा ने भी इस पर काम करना शुरू किया। तब पता चला कि हीरोइन सहित कुछ सामान इसी रास्ते पाकिस्तानी तस्कर
हिंदुस्तान पहुंचा रहे हैं और इसके बाद से इलाके में ऐसे पाइप की छानबीन शुरू की गई। हाल में बीएसएफ को सुराग मिला कि एक बार फिर ऐसे ही पाइप को डालकर कार्रवाई हो सकती है, गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पिछले दिनों बीएसएफ के डीआईजी ने खुद इलाके का दौरा किया था और इनपुट ये था कि मौसम खराब होते ही तस्कर अपना नापाक काम करेंगे और वाकई ऐसा हुआ। इस तस्करी में सबसे बड़ा काम पीवीसी पाइप करता है। इस पाइप को पाकिस्तान से भारत की ओर डाला जाता है जीरो लाइन से। बड़े इस पाइप में तारबंदी में चल रहे करंट का भी असर नहीं होता। ऐसे में आसानी से कोई भी सामान पाइप में उस तरफ डालकर भारतीय सीमा में पहुंचा दिया जाता है। हेरोइन भेजने के लिए पहले छोटे छोटे थैले तैयार किए जाते हैं। इन थैलों को एक से दूसरों से जोड़ दिया जाता है। पाइप से छोटे आकार के इन अंडाकार थैलों को पाइप में डालकर आगे धकेल दिया जाता है। भारतीय सीमा में खड़ा तस्कर पाइपलाइन के इस ओर आने वाले हिस्से को खींचकर निकाल लेता है। तस्कर सामान को एक माला के रूप में बांध देते हैं। यह माला पाइप के एक तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है। जो हिस्सा भारतीय सीमा में डालना होता है उसे आगे से बांध दिया जाता है। पाइप को डालकर ही बॉर्डर तक लाया जाता है और तारबंदी में कोबरा तार भी होता है। इससे करंट आने की आशंकाएं रहती हैं, लेकिन उससे बचाकर ही भारतीय सीमा तक पाइप पहुंचा दिया जाता है, जहां से भारतीय तस्कर सामान निकाल लेते हैं। ये पाइप दोनों तरफ से कोई भी अपने साथ ले जाता है, मौके पर नहीं छोड़ता। नवंबर 2020 में यह पाइप मौके पर रह गया था। इससे साफ है कि तब तस्करी का सामान इधर से उधर गया था। बताया जाता है कि राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से आने वाले हेरोइन पंजाब के साथ ही गुजरात भी जाती है। गुजरात होते हुए मुंबई समेत कई बड़े शहरों में हेरोइन चोरी छिपे पहुंचाई जाती है और इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। खबरें तो ये भी है कि पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय ने आतंक की बजाय नशे से भारतीय युवाओं को टारगेट करने की नीति बनाई है। यह नार्को टेररिज्म है। इसके तहत बड़ी मात्रा में नशा यहाँ पहुंचाया जा रहा है और यही नशा अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली समेत बड़े शहरों में जा रहा है। क्योंकि संगठन चलाने के लिए रकम भी चाहिए होती है, ऐसे में संगठन नशे के कारोबार के लिए गुजरात और राजस्थान की सीमा को टारगेट बना रहा है। बहरहाल अभी दो संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में है। कई राज खुल चुके हैं और कई खुलना बाकी है। बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही पुलिस भी जांच में जुटी है। वहीं अब एनसीबी ने भी अपनी तफ्तीश का दौर शुरू किया है, क्योंकि मामला नारकोटिक्स से जुड़ा है। खैर, इस मामले में और भी राज खुलेंगे और उनसे भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।